फीस वृद्धि के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे छात्रों ने आज विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। उस दौरान पुलिस और छात्रों में जमकर झड़प हुई। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्र आंदोलित दिखे और नारेबाजी की। जैसे कि पहले से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे गेट पे जो ताला लगा दिया था, और जिससे बाहर से जो विद्यार्थी क्लास के लिए आ रहे थे उनको इश्यू हो रहा था, वो बाहर ही रह गए थे। तो फोर्स की मदद से आके यहाँ पे ताला खुलवाया गया, और अभी इनका प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन ताला खुल गया है और बच्चे जो क्लासेज के लिए जा रहे थे वो चले गए हैं। कहाँ कहाँ पे ताला लगाया? ये दो तीन गेट हैं जो बाहर से एंट्री के गेट हैं, उन पे सभी पे ताला इनके द्वारा लगाया गया था, वो खुलवा दिए गए। यूनियन वन वाला खुलवाया, ये वाला भी खुलवा। चाबी इन्होंने किसके पास थी उसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन वैसे ही ताला खुलवा दिया गया। सारे ताले खुल गए हैं सर? हाँ, जो ताले लगे थे, मेन दो गेट हैं उनके खुल गए हैं। क्या कोई कार्रवाई भी होगी जब ताला लगाया था? हाँ, जिन्होंने इस तरह का ताला लगा के वो किया है उनके खिलाफ यहाँ से तहरीर लेके संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि काफी दिनों से फीस वृद्धि कम करने की मांग को लेकर छात्र विश्वविद्यालय परिसर में ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो 400% फीस बढ़ाई गई है उसे वापस ले, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस छात्रों को गेट के बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और उनको रोक रहे थे। उधर छात्र बाहर निकलने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखे।